तो ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मैं YouTube के लिए आइडिया सोच रही थी और फिर ये हुआ। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अलग अलग कंट्रीज का केस काउंट चेक करूंगी। फिर मैं WHO की साइट पे गई जहां पर उनका ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे सारे कंट्रीज का अपडेटेड केस काउंट मेंशन रहता है। तो यहाँ मैंने देखा ये और ये और ये। इंटरेस्टिंग। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्क बायोलॉजी आउट। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग रियली ग्रेट। तो जब मुझे पता चला कि तुर्कमेनिस्तान में एक्चुअली में कोरोना के केसेस जीरो हैं, तब मैं यूट्यूब पे गई और वहाँ मुझे मिली ड्रूबिंस्की की ये वाली वीडियो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑल्सो इस वीडियो में मैं जो भी क्लिप्स यूज़ करूँगी उन्हीं की यूज़ करूँगी, क्योंकि गाइस मैं तो नहीं गई तुर्कमेनिस्तान। एक्चुअली मैं 6 महीने से कहीं भी नहीं गई हूँ। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कंट्री नॉर्थ कोरिया को काफ़ी रिजेंबल करती है। यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वर्ल्ड की 7th लीस्ट विजिटेड कंट्री है और यहाँ पे हर साल लगभग 10,000 अराउंड विजिटर्स ही आते होंगे। तो सिंस यहाँ पे ट्रैवलिंग करना इतना टफ है, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन ना पहुँचा हो। अगर पहुँचा भी हो तो रिपोर्ट ना की गई हो। फिर नॉर्थ कोरिया की तरह ही यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और लोगों को इंटरनेट का कोई एक्सेस नहीं होता। प्लस वो लोग सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली अपनी ही कुछ दुनिया बना रखी है। और आगे मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी बहुत सारी बातें जो बहुत ज़्यादा क्रीपी है, मतलब। तो इस कंट्री का कैपिटल है अशकाबाद, जहाँ पे 80% बिल्डिंग्स वाइट मार्बल्स बनी है। मतलब कैन यू इमेजिन लिविंग इन अ सिटी जहाँ पे हर तरफ सफ़ेद बिल्डिंग्स, सफ़ेद घर, सफ़ेद बिल्डिंग, हर जगह सिर्फ एक ही कलर। और यहाँ इतना ज़्यादा वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये चीज़ रिकॉर्डेड है। एंड सिर्फ वाइट बिल्डिंग्स ही नहीं, जो यहाँ का पुराना डिक्टेटर था उसने ब्लैक कार्स को भी बैन कर दिया था। हर जगह सिर्फ वाइट कार्स, मतलब। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर हर जगह इतने बड़े बड़े स्टैचूज हैं। आप इस फोटो को देख के समझ ही रहे होंगे कि हमसे कितने बड़े बड़े स्टैचूज इन लोगों ने बना रखे हैं। मतलब मैं तो यहाँ पर कभी भी रात में नहीं जाना चाहूँगी, मैं तो शायद दिन में भी नहीं जाना चाहूँगी। फिर यहाँ पर एक जगह है जिसे गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है। तो तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है, इसलिए कंट्री बहुत वेल्दी भी है और एक्सपेंसिव भी है। तो एक बार साइंटिस्ट वहाँ गए और गलती से उनसे एक क्रेटर बन गया जिसे दरवाज़ा गैस क्रेटर कहा जाता है। तो वहाँ मीथेन गैस उनको मिली जिसको उन्हें ख़त्म करना था या कुछ, और उन्होंने वहाँ पर आग लगा दी। और वो आग 1971 से अभी तक जल रही है। कैन यू बिलीव दैट? अब ये बात थी ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब ये कंट्री एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे हर जगह वो 8-pointed स्टार आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, फेंस हो, स्ट्रीट्स हो, ऑप्शन हो, फ्लोर्स हो, टाइल्स हो, हर जगह वो 8-pointed स्टार देखने को मिलेगा। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडोर फेरिस व्हील पाया जाता है, पर वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। मतलब स्ट्रेंज नहीं है किसी सिटी के कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना और उसको इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखना, पर वहाँ पे लोग ही नहीं रहते देखने के लिए। बट दैट्स ओके, वी लिव इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। So that was it for today's video, guys. I hope you guys liked it, and if you did, then please share and subscribe, and also give this video a big thumbs up. Also, मुझे comment करके बताइए कि आपको सबसे amazing चीज़ कौन सी लगी। I'll see you in the next video. Till then, stay safe and take care. Bye bye.